आप कैसे प्रणाम करते हो? सब गलत प्रणाम करते हो आप। आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसका राइट आपका लेफ्ट है, उसका लेफ्ट आपका राइट है, आप ऐसे प्रणाम करते हो, ये उल्टा प्रणाम हो गया। ये बात आपको मुझे 105 वर्ष के संत, मैं जिससे एस्ट्रोलॉजी जो मुझे पढ़ाए हैं, ज्योतिष जो मुझे व्याकरण पढ़ाए हैं, उन्होंने बताया था, वाराणसी के थे। आपका जो लेफ्ट है उसका राइट है, जो राइट है उसका लेफ्ट है। अगर आप उल्टे हाथ से उसका सीधा पर छूते हैं, सीधे हाथ से उल्टा छूते हैं, ये तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, उल्टा कनेक्शन आपने कर दिया। ये प्रणाम की सही पद्धति नहीं है, सही प्रक्रिया नहीं है। तो जब भी आप प्रणाम किसी को करिए तो ऐसा करिए, सीख लीजिए, जीवन में काम देगा। सबसे बड़ा प्रणाम का पूरा फल अगर आपको चाहिए तो ऐसा प्रणाम करिए आप, क्योंकि उसका जो राइट है आपका लेफ्ट है, आमने सामने खड़े हैं आप, तो अब सीधा हो गया, राइट से राइट, लेफ्ट से लेफ्ट। उल्टा कनेक्शन भी अगर आप कर दो तो डिस्टर्ब हो जाती है तार, कहीं फ्यूज या फॉल्ट या जो भी चीजें होती हैं। प्रणाम का सही पद्धति ये है, प्रणाम तो ऐसे साष्टांग करना चाहिए। प्रणाम का महत्व यह है कि अपने गुरु के समक्ष, भगवान के समक्ष, पुरुष वर्ग को, अहंकार को अगर मारना है, रियल में अगर सुपुर्द करना है, अपने आप को समाहित कर देना है, अपने आप को दे देना है, किसी को नक्षावर कर देना है, अपने पुत्र को, कलत्र को, अपने आप को, इस तन को, मन को, इस धन को, तो साष्टांग प्रणाम कर लीजिए आप। जब झुकना ही है तो पूर्ण रूप से झुक जाइए, या तो किसी के हो जाइए या किसी को बना लीजिए, दो ही मार्ग है। अगर आप पावर हाउस नहीं बन सकते हो, अगर आपके पास पावर हाउस बनने की योग्यता नहीं है, तो आप किसी पावर हाउस से जुड़ जाइए। दोनों स्थितियों में आपके अंदर दिव्य प्रकाश जागृत हो जाएगा, प्रकाश का प्रकटीकरण हो जाएगा, प्रकाश का आविर्भाव हो जाएगा, प्रकाश क्रिएट हो जाएगा, प्रकाश का क्रिएशन हो जाएगा, दिव्यतम दिव्य उसके आलोक से आप आलोकित हो जाओगे। तो जब झुकना है तो साष्टांग प्रणाम कर लीजिए। गुरु कब प्रसन्न होता है, माता पिता कब प्रसन्न होते हैं, कि पूर्ण समर्पण से आप भगवान कब प्रसन्न होते हैं। आधा अधूरा समर्पण मत करिए कि दुनिया देख रही क्या करेगी, मैं तो इतना पैसा वाला हूं, इतनी फैक्ट्रियों वाला हूं, इतना सुंदर हूं। झुकना है, जब समर्पित ही करना है तो सब कुछ कर दीजिए आप। कौन भगवान छुड़ा रहे हैं, है तो सब आपका ही। समर्पित कर दीजिए, फिर देखिए चमत्कार। संत के समक्ष अगर आपने अपने आप को समर्पित कर दिया तो संत और रहस्य आपको उद्घाटित कर देगा, वो बता देगा कि जो किसी को नहीं बताता। संत भगवंत यही देखते हैं कि इसके झुकाव में कितनी श्रद्धा है, ये किस पद्धति से झुक रहा है, कितना समर्पित है, कितना अपने आप को मुझे सुपुर्द कर रहा है, कितना घुल और मिल रहा है, ये भगवंत को पता ही, संत को पता ही, गुरु को पता होता है। तो जब भी झुकना हो तो पूर्ण रूप से झुक जाइएगा। जो झुकता है, बाल्टी झुकती है तो जल लेकर के निकलती है कुआं से, झरना ऊपर होता है, जल चाहिए तो आप झुकते हो। देने वाला हमेशा ऊपर होता है, लेने वाला हमेशा झुक करके लेता है। चाहे कृपा लेनी हो, कुछ भी आपको चाहिए, चाहे ज्ञान हो, चाहे कृपा हो, चाहे प्रेम हो, चाहे वात्सल्यता हो, आपको झुकना पड़ेगा।